दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर ही हीलिंग पावर्स होती हैं। जैसे हमें जब चोट लग जाती है तो बॉडी खुद थोड़ी देर में वहाँ खुरंट बना देती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में हीलिंग पावर्स है, उन्हें हमें एक्टिवेट करना होता है। इसी तरह हमारे आसपास की एनर्जी को भी हम अपने को हील करने के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार यकीन करके इसे करके देखिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। हमने लास्ट टाइम बात की थी फैमिली प्रॉब्लम्स के स्विच वर्ड की। मुझे बहुत खुशी है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ रहे हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स के स्विच वर्ड मांग रहे हैं। आपके हर मैसेज पर मैं जल्द से जल्द वीडियो बना के जरूर डालूंगी। तो आज आपकी ही रिक्वेस्ट में से एक है अर्थराइटिस, तो आज बात करेंगे अर्थराइटिस की। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। अर्थराइटिस में हमें बॉडी में जॉइंट पेन कहीं भी हो सकता है, नीज में, फिंगर्स में, रिस्ट में, कहीं भी। ये तो है सारी मेडिकल थ्योरी के सिम्टम्स, लेकिन हमारे इमोशंस भी बीमारी का कारण होते हैं। अगर आप बाहर से खुश हैं और अंदर से दुखी हैं, आपके इमोशंस में कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि आप दुनिया में तो हंस रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर दुखी हो, तो आपके जो बॉडी है उसको दो तरीके के इमोशंस मिलते हैं कि अरे ये बाहर तो हंस रही है, दुनिया के सामने तो हंस रहा है, लेकिन अंदर ही दुखी है, मन ही मन इसको बहुत दुख है। और दूसरा सिम्टम जो आपके इमोशंस के कारण अर्थराइटिस होता है वो ये है कि आपके लाइफ का बर्डन इतना है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को चेंज करना चाहते हो पर वो चेंज नहीं हो पा रही और आप हेल्पलेस फील करते हैं। ये दो इमोशंस के कारण भी अर्थराइटिस हो जाता है। तो जो मैं अब आपको बता रही हूँ, आपको ये रोज करना है और डॉक्टर के पास भी जरूर जाना है। हम तो एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं, ये हमारी हीलिंग को स्पीड अप करता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो तो ये स्विच वर्ड से ठीक हो जाती है, पर अर्थराइटिस अगर एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो ये स्विच वर्ड से, ये हीलिंग नंबर से ठीक होगा। लेकिन अगर ये लंबे टाइम से आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो ये आपकी हीलिंग में मदद करेगा, आपकी हीलिंग को बढ़ाएगा और आपके पेन को कम करेगा। और जो आप पेन किलर्स ले रहे हैं और मेडिसिंस में भी, ये आपकी कमी लाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अर्थराइटिस से जो आप काम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ पेन, जब पेन होता है ना तो फिंगर्स भी मूव नहीं होती है, अर्थराइटिस में इतना पेन होता है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपको उसमें जो रिलीफ मिलना शुरू हो गया। आपको मैं एक एनर्जी सर्कल दे रही हूँ, ये एनर्जी सर्कल आपको मिलेगा, आपको इसका कलर प्रिंट आउट निकालना है और इसे लेमिनेट करना है। ये एनर्जी सर्कल आपको, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस एनर्जी सर्कल का आप जब प्रिंट आउट निकाल लेंगे, लेमिनेट करवा लेंगे, तो आपको लेना है एक पानी की बॉटल या फिर एक कांच के ग्लास में पानी। बॉटल जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए और बॉटल भी कोई और कलर की नहीं होनी चाहिए। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अर्थराइटिस है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ऐसे एक बॉटल लें और इस बॉटल को आप इस एनर्जी सर्कल पे 20 सेकंड्स के लिए रख दें। 20 सेकंड्स में इसकी जो एनर्जीज हैं, हीलिंग पावर है इस एनर्जी सर्कल की, इस स्विच वर्ड की, इस पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगी और आप ये पानी पूरे दिन पी सकते हैं। जब ये बॉटल का पानी ख़त्म हो जाए दोबारा रिफिल कर दें, नहीं तो आप जब पानी पी रहे हो तो कांच गिलास में भी पानी भर के आप इसके एनर्जी सर्कल के ऊपर 20 सेकंड्स आपको रखना है और 20 सेकंड्स पे बाद आपको ये पानी पीना है। तो आप ये बॉटल चाहे रोज भरकर रखिए, सुबह से लेके शाम तक आप रखे रहेंगे, इससे ही पानी पिए, वापस इसको रिफिल करें और इसी एनर्जी सर्कल पर इस बॉटल को रखे रहेंगे। तो इस एनर्जी सर्कल का आपको जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां से आप लिंक लेकर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से याद दिलवा दूं कि जो बॉटल हो, ग्लास हो, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, स्टील का ग्लास या फिर सॉलिड कलर की प्लास्टिक की बॉटल नहीं होनी चाहिए।
दूसरा, आपको हीलिंग नंबर्स आप ब्लू पेन से अपने लेफ्ट आर्म पर रोज लिखने हैं। नंबर है 1.2HZ 250HZ 262HZ 78, 366, 847, 687। ये चारों नंबर्स आपको अपने लेफ्ट आर्म पे ब्लू पेन से जरूर लिखने हैं एवरी डे। दर्द चाहे कहीं भी हो, लेकिन आपको लिखना कहाँ है, अपने लेफ्ट आर्म पे ही इसको ब्लू पेन से लिखना है। अर्थराइटिस कभी कम्प्लीटली ठीक नहीं होता और उम्र के साथ ये बढ़ता जाता है। आप चार्ज वाटर यानी कि एनर्जाइज वाटर पिए और हीलिंग नंबर रोज लिखें। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और इससे आपकी हीलिंग पावर्स ज़्यादा बढ़ेंगी और जो अर्थराइटिस जल्दी से बढ़ रहा है वो भी रुक जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों, जो आपने और स्विचवर्ड्स पूछे हैं उनका भी मैं जल्द से वीडियो डालूंगी। आप सबको हीलिंग स्विचवर्ड्स मैं ज़रूर दूंगी। आपकी कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उनका वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो का रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।